Yo, what is going on, guys? Welcome back to the channel to a brand new day. And अगर आपको नहीं पता, there is a Japanese live stream going on right now. जैसे ही वो खत्म होता है, I'll make a full, complete breakdown and translation of it because ये update में बहुत कुछ आ रहा है. There is a lot of freebies for you guys and साथ ही साथ बहुत ही जबरदस्त content भी आ रहा है. Literally, they are giving away SSR weapon for free. वो भी maxed out. Yes, वो मैं बेकार वाले की बात नहीं कर रहा हूँ. जो हमें इवेंट में मिल रहे 100 डे सेलिब्रेशन वाले, नहीं 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 नहीं, आपको ये अलग SSR वेपन लेजिट फ्री में मिल रहा है A5. सो ऑल यू नीड टू डू इज प्ले ऑन अ डेली बेसिस आफ्टर द अपडेट ड्रॉप्स, क्योंकि उसके लिए आपको एक टोकन्स फार्म करने होंगे, उसके थ्रू मिलेगा. बट वो चीज़ें बाद में बात करेंगे. बट अभी चलिए चलते बात करते हैं द नोटिसेस दैट वी हैव एट हैंड. एक है फॉरम पर, जिसमें डेव्स बता रहे हैं कि क्या क्या अपडेट में आने वाला है अपडेट नोटिस के थ्रू. एंड उसके अलावा हमारे पास एक इंटरव्यू है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द डेव्स ऑफ द गेम. जी हाँ, उन डेव्स से जिनसे हमें काफ़ी सारे जवाब चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट. सो लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट दोज एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहले चलिए चलते हैं फॉरम पे, लेट्स टेक अ लुक एट कि हमारे अपडेट में हमें क्या दिखाई देने वाला है. तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो नोटिसेज में वी विल फाइंड अ न्यू रेगुलर मेंटेनेंस नोटिस 22 तारीख के लिए. तो मेंटेनेंस शेड्यूल है 21 वेडनेसडे 23:50 से 22:08, मतलब थर्सडे को सुबह 11:30 अपडेट आ जाएगा. बेसिकली 6 घंटे का ये 5:30 बजे शुरू हो रहा है, तो अब की बार 11:30 बजे अपडेट आएगा. ठीक है, मेंटेनेंस से क्या क्या ऐड हो रहा है. सबसे पहला गिल्ड सिस्टम आ रहा है, संघ जिनवो का नया जॉब चेंज आ रहा है, न्यू हंटर हैंड सेमी और गोगन ही और उनके एक्सक्लूसिव वेपन आ रहे हैं, एडिशन ऑफ न्यू संघ जिनवू वेपन. अब इसको वेपन्स बोलना चाहिए इनको, क्योंकि दो वेपन है, इनफैक्ट 3 वेपन है. एक तो इवेंट वाला 100 डे सेलिब्रेशन वाला, एक डार्क स्पीयर और एक लाइट स्पीयर SSR. जी हाँ दोस्तों, जो फ्री में मिलेगा. फिर साथ में नए कॉस्ट्यूम ऐड हो रहे हैं, तो लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर बीइंग एडेड. तो अलीसिया का कॉस्ट्यूम ऐड हो रहा है, हैंडसेमी के दो कॉस्ट्यूम ऐड हो रहे हैं, गोगनी का लाइब्रेरी वाला कॉस्ट्यूम ऐड हो रहा है, वो तो फिर सभी का हो रहा है जो हैंडसेमी का भी इंक्लूडेड. देन देर इज एमा लॉरेंस कॉस्ट्यूम एंड मोर. उसके बाद हम आते हैं तो न्यू रून और ब्लेसिंग स्टोन ऐड हो रहा है, क्योंकि संघ जिनवू का नया स्किल आ रहा है, उसका रून्स ऐड होंगे एंड ब्लेसिंग स्टोन्स भी ऐड हो रहे हैं. तो दो नए ब्लेसिंग स्टोन्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. हंटर आर्काइव में नई स्टोरी आ रहे हैं और सीक्रेट लाइब्रेरी में भी नए एडिशन हो रहे हैं. तो बेसिकली हैंडसेमी एंड गोगन ही का आई थिंक होने वाला है ये. एडिशन ऑफ SR हंटर एक्सक्लूसिव वेपन, तो जो SR हंटर्स के SSR वेपन बच गए थे वो ऐड हो रहे हैं. रिवर्स स्टोरी में न्यू चैप्टर्स ऐड हो रहा है. एडिशन ऑफ न्यू इवेंट्स, यानी कि नए इवेंट्स हो रहे हैं जिनके थ्रू आपको बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं. एडजस्टमेंट ऑफ संघ जिनवू वेपन, आर्टिफैक्ट्स के भी इंप्रूवमेंट है और साथ में हंटर्स को भी बैलेंस किया गया है. और साथ में और भी कॉन्टेंट इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस है, न्यू पैकेजेस है और सिस्टम इंप्रूवमेंट एंड बग फिक्सेस है. और मेंटेनेंस के थ्रू आपको फ्री के 500 एसेंस स्टोन, दो गेट कीज और वेपन एनहांसमेंट गियर मिलेंगे. और ये सारे कंटेंट एंड हो रहे हैं. एंड बाय द वे, अगर आपको फ्री रिवॉर्ड्स की ही अगर मैं बात करूं, तो हम भी 1000 एसेंस स्टोन दे रहे हैं टू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग अस टुडे. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सपोर्ट नहीं करा है तो जाकर सपोर्ट कर लो. ये 2028 लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया, इन सभी को कोड्स मिल चुके हैं. तो अगर आप इन सब में से नहीं हो, देन गो अहेड एंड सपोर्ट अस इन द क्रिएटर प्रोग्राम. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और कैसे सपोर्ट करना, उसकी एक गाइड वीडियो भी है. और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वरी नॉट, आपको लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी कोड्स मिल जाएगा. तो बातें हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट वेयर वी हैव एन इंटरव्यू विद द डेव्स. ठीक है, तो डेव्स के साथ इंटरव्यू वाला पोस्ट है ये, तो लेट्स टेक अ लुक एट इट. तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो जापानीज में, तो इसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेजर अपडेट फॉर नेट मार्बल्स पॉपुलर एक्शन RPG ओनली आई लेवल अप अराइज आने वाला है. तो उसके रिलेटेड इन्होंने डेव्स से बात की. ठीक है, तो डेव्स का क्या कहना था कुछ सवालों के ऊपर जिनके बारे में उनसे सवाल पूछा गया. तो सबसे पहले आई एम इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग एंड अलायंसेज एंड आई एम इन चार्ज ऑफ प्रमोशन पब्लिक रिलेशंस क्रिएटिव एंड अदर डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो बोल रहे कि वो इन सभी डिपार्टमेंट्स के हेड है. अब 3 महीने हो गए गेम को आए हुए, तो अभी तक ऑपरेशन कैसा रहा है. तो अभी बहुत लोग खेल रहे हैं, 15 मिलियन से ज़्यादा लोग खेल रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं गेम को, विच इज़ ट्रू. तो बहुत अच्छा चीज़ है, गेम भी कंपनी भी बहुत खुश है, तो दैट इज़ नाइस. ठीक है, आगे आते हैं तो गेम कॉन्टेंट की बात करें, तो सबसे बड़ा पार्ट है स्टोरी को एंजॉय करना. बहुत सारे वॉइस है जो यूजर्स ने डाले हैं, मतलब अलग अलग हंटर्स और सब चीज़ों के. तो वो रश कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए डेवलपमेंट, ताकि और भी नए कंटेंट हमारे लिए आते रहे कंटिन्यूसली. अगस्त में एक मेजर अपडेट आने वाला है, उस पर हम बात कर रहे हैं. इमीडिएटली आफ्टर रिसीव मेनी इंक्वायरीज फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट बग, और उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी रिसीव किया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस हुआ एंड एवरीथिंग.
तो दैट इज रियली नाइस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, हाँ एनीमे बहुत पॉपुलर है और उसके थ्रू ऑब्वियसली मांगा मानवा के थ्रू भी गेम को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अब अगर बात करें यहाँ पर तो बेसिकली तारीफ वगैरह किए जा रही है, तो पूछ रहे थे कि पीसी पे कैसे गेम चलता है, तो बोल रहे मोबाइल के लिए है बट साथ ही साथ पीसी पर भी काफ़ी अच्छा चलता है ये। ओके, यू कैन फुल्ली एन्जॉय द फन ऑफ एक्शन इवन ऑन पीसी बिकॉज इट इज़ हाईली एक्शन ओरिएंटेड गेम। व्हेन आई डोंट नो हाउ द बॉस मूव्स आई रिफर टू द लाइव प्ले दैट यू मेंशन अर्लियर एंड आई फील दैट इट इज़ अ गुड मैच फॉर स्ट्रीमिंग। तो बेसिकली बता रहे कि स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छा गेम है, तो उसके थ्रू बात किए जा रहे हैं। तो ये सब उतना कुछ खास नहीं है, द थिंग दैट वी वॉन्ट टू सी इज, ठीक है, जो चीज़ें हमें अफेक्ट करेगी, बाकी तो ये सब तारीफ और सवाल जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है लेवल एक्सपेंशन का। जुलाई अपडेट में लेवल एक्सपेंशन आया था, तो लेवलिंग अप एक बड़ा मोटिवेशन है और फ्यूचर में और भी लेवल अप्स आएंगे। गिवन द टाइटल ऑफ द गेम द रिलीज ऑफ द लेवल कैप इज ऑल्सो एन एलिमेंट दैट पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा फीडबैक मिला है और लोग बोल रहे अपर लिमिट को बढ़ाने, सो वो उन्होंने किया इस जुलाई अपडेट में और हर 2-3 महीने में ये किया जाएगा, ठीक है। और गिल्ड के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो गिल्ड में एक न्यूज़ कि गिल्ड में 50 लोग आ सकते हैं एज एन एक्टिव मेंबर, ठीक है। ये पहले रिलीज हो गया था। गिल्ड रिलेटेड कंटेंट कब अवेलेबल होगा, 22 अगस्त, और रेड गिल्ड रेड्स प्लेबल हो जाएगा, ठीक है। सो या अब गिल्ड कम्युनिकेट विथ मेंबर्स एंड देन यू कैन टेक ऑन कॉन्टेंट। सो सबसे पहले गिल्ड बनाओ, कम्युनिकेट करो मेंबर्स से और फिर कॉन्टेंट में लेके जाओ। तो या इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ये बोल रहे हैं कि एक लाइव स्ट्रीम होगी 100 डे सेलिब्रेशन की August 20 को, जो कि अभी चल रहा है, इट इज़ लाइव राइट नाउ। तो उसका लिंक यहाँ पर है, तो इसके थ्रू हम जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है गिल्ड ज्वाइन करने से आप सिर्फ कम्युनिटी नहीं बनाओगे, आप गेम का भी स्कोप बढ़ा दोगे और उसमें भी काफ़ी सारे बफ्स है जो आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो गिल्ड स्किल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड एज न्यू ग्रोथ कॉन्टेंट, ठीक है। अगर आप एक गिल्ड को बिलोंग करते हो तो आपको उसके बेसिस पे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बाय लेवलिंग अप द गिल्ड यू कैन अर्न अ गिल्ड स्कोर एंड द गिल्ड लीडर कैन एक्टिवेट और अपग्रेड गिल्ड स्किल्स। ऑल गिल्ड मेंबर्स कैन रिसीव द कोरिस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स एज शेयर्ड BAP एंड द गिल्ड लेवल कैन बी इंक्रीज थ्रू गिल्ड मिशन। तो बेसिकली हमें पावर अप करने के लिए गिल्ड की भी जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द मेजर कॉन्टेंट इज एडिशन ऑफ न्यू जॉब चेंज फॉर संगजिन वू। उसके स्किल्स के बारे में बात करें तो नया स्किल है संगजिन वू का और नया स्किन भी है, सोनिक स्ट्रीम यहाँ पर बोला जा रहा है और स्किल रून रेड कट, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा वेन यू आर एट पावर लेवल 90,000। 35 आपको बैटल फील्ड ऑफ ट्रायल्स का क्लियर करना होगा फ्लोर, और चैप्टर 15 हार्ड मोड में क्लियर करना होगा वो मेटस वाला, ठीक है। तो सब बहुत एक्साइटेड है जॉब चेंज के लिए। जॉब चेंज बेसिकली संगजिनवू के पावर अप का तरीका है गेम में मेन, तो अगर उसका पावर बढ़ाना है तो जॉब चेंज करो, बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज़ देयर। जॉब चेंजिंग का कंडीशन स्ट्रिक्ट है, तो बोल रहे नहीं ये पॉसिबल है लेकिन जल्दी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सात्सुकी सेन्यू के बारे में बात करें तो ये बेसिकली हैंडसेम ही है, उसका जापानीज नेम है, तो उसके बारे में बात करें। और गोगन ही के बारे में बात करें, गो तो क्योमी है, गोगन ही है, ठीक है। ओरिजिनल वर्क, तो सब ओरिजिनल वर्क से हंटर्स देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पसंद है वो, राइट, बिकॉज मानवा में उन्होंने उसे देखा है, एपिसोड में उन्हें देखा है, तो उन्हें बहुत पसंद आता है वो चीज़। उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यू स्विम सूट स्किन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें पहला लुक देखने को मिला है अलीसिया के नए स्किन सूट्स का। ओह माय गॉड, दीज लुक्स सेक, ठीक है। लेट मी टेल यू, एमा लॉरेंट का नए स्किन्स के कलर, ओह माय गॉड, हैंड सेमी के न्यू स्किन कलर्स, ओह माय गॉड, राइट, डैम, ठीक है। रोड मैप सेकेंड हाफ का में निकला था जब जून में, तो गिल्ड अब अगस्त में हो रहा है, तब ओवरऑल स्केड्यूल में चेंज हुआ है क्या, तो बोल रहा हाँ डिले हुआ है, लेकिन दिसंबर में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो रोड मैप से लोग जितना ज़्यादा हो सके क्लोज रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। अगस्त अपडेट में 100 डे सेलिब्रेशन और गोतो क्योमी विच इज़ गो गन ही आ रहा है, और आगे का कॉन्टेंट भी प्लान किया जा रहा है, तो वो देख रहे हैं इस चीज़ को, रोड मैप को जितना ज़्यादा हो सके फॉलो करने का, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया वेबसाइट में क्या रिलीज़ करते हैं, उस बारे में काफ़ी सोच समझ के करते हैं, सो दैट इससे लोगों का फिर काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो या और उधर भी वो लोग काफ़ी एक्टिव इसके बारे में बता रहे हैं, तो दैट इज़ रियली गुड, ठीक है। तो या यही सब था फॉर द मोस्ट पार्ट आई गेस, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं था। आप यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम को जाकर देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, ठीक है। ऑलराइट, सो या दीज आर द न्यूज़ एंड सम थिंग्स दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड।
तो कैसा लग रहा है आपको ये अपडेट, लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, लिटरली गिल्ड आ रहा है, दो वेपन, तीन वेपन इनफैक्ट, संग जिन वू के दो SSR हंटर, गिल्ड कॉन्टेंट एंड कुछ हिडन चैप्टर्स भी और है जो कि लाइव स्ट्रीम में बताए गए थे, सो वो भी ऐड हो रहे हैं। रिवर्स मोड में और चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं, काफ़ी सारे बफ्स और ग्लिचेस फिक्सेस है। डीमन किंग लॉन्ग स्वॉर्ड को बफ किया जा रहा है, दोनों तरह के बेक को, बेक यौन हो को बफ किया जा रहा है, काफ़ी सारे ब्लेसिंग स्टोन्स को बफ किया जा रहा है, काफ़ी सारे और भी चीज हंटर्स को, वेपन्स को, यार सब चीज़ों को बफ किया जा रहा है, तो दैट इज़ रियली गुड। सो विल सी हाउ दीज चेंज द मेटा एंड नया फ्री वेपन कितना तहलका मचाता है, वो सब भी देखेंगे। सो या विद दैट, व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन, लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। जो जापानीज लाइव स्ट्रीम हो रही है उसकी ब्रेकडाउन बहुत जल्द आ जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस फॉर 1000 एसेंस स्टोन कोड टुडे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय।